सब्सक्राइब करें मेरे चैनल सैयद साद कादरी को और बेल आइकॉन दबाएं मेरी वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मैं हूं सैयद साद कादरी और आप देख रहे हैं सैयद साद कादरी उर्दू चैनल। आइए आज आपको मलकुल कतर या मलकुल मतर यानी के बारिश के फरिश्ते के बारे में बताता। हजरत अनस रजी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि बारिश के फरिश्ते ने अपने लिए रब तआला से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की ज़ियारत की इजाज़त तलब की तो अल्लाह तआला ने उन्हें इजाज़त अता फरमाई। उस रोज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम उम्मे सलमा रदी अल्लाहु तआला अन्हा के हाँ थे और ये फरिश्ता आपके पास मौजूद था। आपने उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा से इरशाद फरमाया कि दरवाज़ा बंद कर दीजिए, हमारे पास कोई ना आए। जब ये दरवाजे पर पहुंची तो उसी लम्हा इमाम हुसैन दाखिल हुए और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की गुद्दी मुबारक पर बिला धड़क सवार हो गए। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम ने उनके मुंह पर उनके चेहरे पर प्यार किया तो फरिश्ता जो मलकुल कत्र है बारिश का फरिश्ता है उसने अर्ज़ किया, आप इनसे मोहब्बत करते हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने फरमाया हाँ। तो उसने अर्ज़ किया आपकी उम्मत इन्हें अन करीब शहीद कर देगी, अगर आप पसंद करें तो मैं आपको वो मुकाम भी दिखा दूँ जहाँ इन्हें शहीद किया जाएगा। फिर इन्हें वो जगह दिखलाई और रेत और सुर्ख मिट्टी भी ले आए तो इसे हज़रत उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने ले लिया और अपने कपड़े में बांध लिया। इस रिवायत को मौजम सहाबा में इमाम बगवी रिवायत करते हैं, फिर इसे इमाम तबरानी भी रिवायत करते हैं, इसी तरह इसे इमाम अहमद ने अल मुसनद में, फिर मुसनद अबू याला में इमाम अबू याला ने, फिर मुसनद बज़ार में इमाम बज़ार ने इसे रिवायत किया है और भी दीगर कुतुब हदीस में ये रिवायत आती है। इसी से मिलती जुलती एक और रिवायत, ये रिवायत तो हज़रत अनस इब्ने मालिक रिवायत करते हैं, एक और रिवायत है जिसे हज़रत अबू तुफैल रज़ी अल्लाह तआला अन्हु रिवायत करते हैं कि बारिश के क़तरे ने अल्लाह तआला से इजाज़त तलब फरमाई कि वह उम्मे सलमा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर में जाकर हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर सलाम पेश करे। तो अब उस पिछली रिवायत में क्या था कि इजाज़त की कि हुजूर की ज़ियारत, यहाँ पर सलाम, तो दोनों को मिला लें, ज़ियारत भी है और सलाम भी है। अच्छा, जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम के यहाँ ये पहुँचे तो हुजूर ने उम्मे सलमा से कहा कि उम्मे सलमा दरवाज़ा बंद कर दो कि कोई ना आए, पर उस लम्हा इमाम हुसैन आए और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम की गुद्दी पर सवार हुए और खेलने लग गए, जिसे ये फरिश्ता देख रहा था। और फिर हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम का उन्हें प्यार करना जो पिछली रिवायत में है, तो उसके बाद जब उसने सारी कैफियत देखी तो उस पर यह बात मुनकशिफ हुई कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम इमाम हुसैन से कितनी मोहब्बत करते हैं। तो कहने लगा कि आप इनसे मोहब्बत करते हैं, आपकी उम्मत तो इन्हें अन करीब शहीद कर देगी, अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम चाहें तो मैं आपको वो जगह दिखा दूँ। पिछली रिवायत में ये था कि जहाँ इन्हें शहीद किया जाएगा, फिर इन्हें फिर हुजूर को जगह भी दिखलाई और रेत और सुर्ख मिट्टी भी ले आए, लेकिन इस रिवायत में क्या है कि उन्होंने अपने हाथ से इशारा किया और मिट्टी की एक मुट्ठी उठा ली और आपको दिखाई और उम्मे सलमा रदी अल्लाह तआला अन्हा ने वो मिट्टी ले ली और उसे अपनी ओढ़नी में बांध दिया। तो सहाबा कराम ये राय दिया करते थे कि करबला की खाक है। इस रिवायत को इमाम तबरानी ने रिवायत किया है मवारिदुज़्ज़मान में, फिर ये मजमाउज़्ज़वाइद में इमाम हैसमी भी इसे लेकर आते हैं।
अच्छा तो ये हदीस जो है ना मुख्तलिफ तरीकों से मरवी है। इमाम अहमद इब्न हम्बल ने मुस्नद इमाम अहमद में बसनद सही हज़रत आयशा सिद्दीका या उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हुमा से रिवायत किया है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम ने इनमें से किसी एक से किसी से फरमाया कि लकद दखल अलल बैति मलकुन लम यदखुल अलैया क़ब्लहा, मेरे पास इस घर में एक फरिश्ता आया जो पहले कभी नहीं आया। इसने कहा काला इन नबनका हाज़ा हुसैन मकतूल, ये जो आपका ये जो बेटा हुसैन है ये शहीद है, अगर आप चाहें तो मैं उस जमीन की खाक भी आपको दिखला सकता हूँ। इन शेता उरीतुका मिन तुर्बतिल अर्दिल्लती युक्तलु बिहा, तो अगर आप चाहें तो मैं उस जमीन की खाक भी दिखला सकता हूँ जहाँ इनसे जंग की जाएगी और उन्हें शहीद किया जाएगा। फरमाया उसके बाद उसने सुर्ख मिट्टी निकाल कर दिखलाई। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। पढ़ो अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आली मुहम्मद, सल्लु अला हबीब सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। इस रिवायत को मजमा ज़वाइद में भी रिवायत किया गया है, मुस्नद इमाम अहमद में भी आती है, इसी तरह इसको और कुतुब हदीस में भी रिवायत किया गया है। तो बहरहाल इन रिवायात से आपको बताने का मकसद ये था कि बारिश के पर मामूर फरिश्ता हुजूर की ज़ियारत के लिए भी आया, हुजूर पर सलाम पढ़ने के लिए भी आया, सलाम पेश करने के लिए भी आया, और फिर हुजूर की खिदमत में आया। और अल्लाह ताला की हिकमत कि अल्लाह ताला ने ये पैगाम अपने हबीब तक पहुंचाना था और हबीब के ज़रिए उम्मत तक पहुंचाना था, और उसी वक्त मेरे रब के हुक्म से इमाम हुसैन का आना, और उस वक्त हुजूर की अजवाज मुतहरात में से उम्मे सलमा के घर में हुजूर का होना, और उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा का उस मिट्टी को लेना, और उम्मे सलमा रदी अल्लाह ताला अन्हा वो वाहिद उम्मुल मोमिनीन में उम्महातुल मोमिनीन में से हैं, मोमिनों की माओं में से हैं, जो इमाम हुसैन की शहादत के वक्त जिंदा थी, हयात थी, बाकी तमाम अजवाज मुताहरात वफात पा चुकी थी। तो ये अल्लाह ताला की ये हिकमतें होती हैं, ये खुद इंतजाम करता है मेरा रब। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। तो ये जो अल्लाह के बंदे होते हैं ना, जिनके ईमान ये चट्टानों से भी ज्यादा मजबूत होते हैं, फिर उनको अल्लाह की हिकमतों पर उनकी नजर होती है, और बात समझ में ना भी आए तो वो जानते हैं कि इसमें मेरे रब की कोई हिकमत पोशीदा है। तो अब हम इन चीज़ों को अगर देखें, जमा करें, तो समझ में आता है कि वाह मेरे रब, तू बेहतरीन इंतज़ाम करने वाला है। ये बात हमारी समझ में नहीं आती क्योंकि हम तो नाकिसुल अक्ल है। अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। हज़ारों करोड़ों लाखों सलाम हो अहले बैत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम पर। अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए कि हम अहले बैत अतहार के तरीक़े पर चल सकें। देखो ना मेरे भाइयों और मेरी बहनों, ये सालाना जो हम रस्में करते हैं, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें करता है, कोई मुख्तलिफ़ चीज़ें करता है, मुझे बताओ कि इससे तुम्हारे अंदर ऐसी क्या तब्दीली आती है जो तुम्हें अहले बैत अतहार के रास्ते से करीब करती है और उस रास्ते पर गामजन करती है जिस रास्ते पर वो चलते थे। तुम्हारी ईमानियात में क्या मजबूती आती है? देखो, मामला होना चाहिए कि वो तरीक़ाकार इख्तियार किया जाए जो उन लोगों का तरीक़ाकार था। हमने तरीक़े खुद बना लिए हैं और समझते हैं कि हम उनके रास्ते पर चल रहे हैं। हमारी नमाजें फौत, कुरान से हमें कोई शगफ नहीं, हदीस मुबारका से हमें कोई शगफ नहीं, अल्लाह ताला का जिक्र भी नहीं करते, नवाफिल भी नहीं पढ़ते, फ़र्ज़ नहीं पढ़ते तो नफले तो बहुत दूर की बात है, दुरूद पाक नहीं पढ़ते, लेकिन कोई झंडियाँ ना लगाए 12 को तो उससे नाराज़ हो जाते हैं, कोई 11वीं ना मनाए तो नाराज़ हो जाते हैं, कोई ताज़िया ना निकाले तो नाराज़ हो जाते हैं। क्या दीन इन रसूमात का नाम रह गया है? वो जो ईदों को नमाज पढ़ते हैं, क्या ये मुसलमान हैं? ये कैसे मुसलमान हैं जो ईदों को नमाज पढ़ते हैं, जिनकी ईमानियात सिर्फ तरावी के लिए उनका ईमान जागता है?
ये बाकी साल किधर होते हैं ये लोग। अल्लाह ताला से दुआ करो कि सही दीन हमें अता फरमाए ताकि हम उस पर चलकर सही मानों में एहदिना सिरात अल मुस्तकीम उनके रास्ते पर चलकर जो हिदायत वाले लोग हैं उस रास्ते पर चलकर उस मुकाम पर पहुंच सकें कि अल्लाह ताला हमसे राज़ी हो और फिर हमें ये कहे कि फदखुली फी इबादी वदखुली जन्नती या अय्यतुहन नफ्सुल मुतमइन्ना, ए इत्मीनान वाली जान आजा मेरे बंदों में, आजा मेरी जन्नत में। इसके लिए मेहनत करो, इसके लिए कोशिश करो, वरना तो फिर वही होगा जो किसी ने कहा कि ये उम्मत खुराफात में गुम हो गई। खुराफात में ना गुम हो, दीन को समझो, पढ़ो, दीन के असास पर अमल करो, नमाजों की पाबंदी करो, कुरान पढ़ो, कुरान को समझो, अपने घरों में अपने दिलों में ईमान को उतार लो। सिबगतुल्लाह, अल्लाह के रंग में रंग जाओ, फिर किसी और रंग की ज़रूरत नहीं होगी तुम्हें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब का बटन दबाएं, बेल के आइकॉन को प्रेस करें ताकि आपको रेगुलर नोटिफिकेशन अपडेट्स मिल सके और आप हमें हमारे लाइव सेशंस में भी ज्वाइन कर सकें। वीडियो पसंद आने की सूरत में लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।